जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अभी आप वर्तमान में किसी परेशानी, किसी तकलीफ से यदि गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आप स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीवन में या कभी भी आने वाले वक्त में अगर आपके साथ कोई व्यक्ति कुछ बुरा करता है। अब जैसे हम कई बार नौकरी में होते हैं, प्राइवेट नौकरी में होते हैं, तो बॉस को दूसरे लोग हमारी गलत जानकारी देकर हमें नौकरी से बाहर करा देते हैं। दूसरे नंबर पर कई बार दो अच्छे संबंधों के बीच एक तीसरा आदमी जो है वो धोखा दे देता है। तीसरी बात होती है जिन लोगों की हमने मदद की, जिनको सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ाया, और वही लोगों ने हमारे साथ धोखा दे दिया। मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके साथ बुरा किया है। प्लस हमें यदि पता है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है, वो तो लोग इसमें आएंगे ही सही। कई बार इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है और आपको पता नहीं कि इनने हमारे साथ बुरा किया है। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र की कि उस मंत्र को जानने के बाद आपके साथ जो भी व्यक्ति यदि कभी भी कुछ बुरा करेगा, या तो भविष्य में करेगा या आने वाले समय, बीत चुके समय में अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, उसका उसे अंजाम जरूर मिलेगा। तो ये मंत्र क्या है, ये पूरा किस तरह से चीज़ें हैं, और इस पर हम पूरी विस्तृत तरीके से चीज़ों को जानेंगे। तो इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कुंडली का एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे से मुद्दे पे कि आप बहुत ही सीधे, सरल और अच्छे लोग हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इस दुनिया कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छे सज्जन और आप जैसे एक ईमानदार व्यक्ति का यदि वो बुरा करता है जाने और अनजाने में, तो दोस्तों उसका सबब उसे आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। ये बात आप अपने अंदर इस बात को अच्छे से समझा लें। अब दुआ करें कि हे ईश्वर, इसने जो भी किया है इसका न्याय आप करेंगे। ये बात अंडरलाइन कर लें कि हे ईश्वर, हे मेरे परमपिता भोलेनाथ, इस व्यक्ति ने, जिस भी व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया है, कृपया उसका न्याय आप करें। ये जो लाइन है, ये मंत्र है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। आप यकीन मानिएगा या आप खुद अपना ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा कि एक अच्छे और सज्जन और आपके साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया है, उन लोगों का पीछे मुड़ के आप देख लो, आज पहले जो भी क्या हो, आज उनका वर्तमान किस स्थिति में है। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र है, क्योंकि अच्छे और सच्चे लोगों के साथ जब भी कोई बुरा करेगा ना, यकीन मानिए दोस्तों, वो कभी खुश नहीं रह सकते। तो अगर अच्छा लगा वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।